कैरेक्टर ऑफ मल्हार ठाकुर जो कि बहुत सेल्फिश है, कनिंग है, एम्बिशियस है टू बिकम एन IPS ऑफिसर. ही थिंक्स मनी एंड पावर इज एवरीथिंग एंड फॉर दैट ही कैन डू वॉट एवर ही जस्ट वॉन्ट्स इट, चाहे वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसके. सो इट इज़ अ ग्रे शेप कैरेक्टर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. द कैरेक्टर इज गोना बी अमेजिंग. बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आपने कहा प्रोमो में आपने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे एंड कोई भी डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है, कोई भी डिफाइंड विलन नहीं देखने मिलेगा आपको उसमें. तो वही एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी जिसके लिए आई थिंक ऑडियंस को वेट करना चाहिए एंड हमारा शो देखना चाहिए. आपकी बात की जाती है कि जब ऐसे शोज आते हैं टीवी पे तो जब प्रोमो देखते हैं लोगों की कमेंट्स आने और लोगों के यू नो फीडबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये लड़की के साथ अपनी वाइफ के साथ ऐसा जाते हैं, तो आपका क्या मतलब था जब आपने इस टाइम किया कि आपको चल रहा था अभी क्या चल रहा है? Confused initially when this part was offered, I was like negative. कैसे? But जब मुझे brief मिला तो मुझे समझ में आया कि it's something different. It's not just a negative character. And there is actually no villain in the show. I am not a villain. In this show, the circumstances, the situations are the villain. किस तरह कुछ circumstances की वजह से इन चारों की fate बदलती है, कहानी में क्या-क्या होता है, it's very interesting. So I just got excited about playing this great character and that's why I took the role. एंड अगर हम बात की जाए बॉन्ड की तो हमने देखा कि बहुत अच्छी बॉन्ड आप लोग अभी देख ही रही है, आज ही बनी है. हम लोगों ने अभी तक शूट स्टार्ट नहीं किया है, प्रोमो में मिले हैं लेकिन इतना नहीं मिलना जुलना हुआ बिकॉज ऑफ वी डोंट गेट टाइम. शी इज ऑलवेज शूटिंग और व्हेन शी इज फ्री वी आर देयर. सो बट एवरीबडी इज सो पॉजिटिव कि जैसे अभी आपने देखा हम मिले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल वेरी गुड, इट्स ऑल पॉजिटिव. जिम्मेदारियाँ तो है बिकॉज शो है और काम कर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं टू यू नो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए, हम एंटरटेन कर पाए उसको. एंड जिम्मेदारियाँ हैं बिकॉज काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है तो हमें भी यू नो वी आर ऑल्सो वर्किंग कि हम अच्छे से इसको डिलीवर कर पाएँ. तो एक यही पार्ट है जिसमें यू नो थोड़ा सा है कि हाँ नहीं भी आपको डिलीवर एंड उसको अच्छे से करना है, तो कोई थोड़ा सा बर्डन है अपार्ट फ्रॉम दैट. तो जस्ट होप कि I bring my best in this character, in this show. And this is my third collaboration with Balaji, the colors has been. So I just hope, जैसा सब ऑडियंस ने हमें मुझे प्रीवियस शो में प्यार दिया, इस शो में भी आप स्ट्रीक कंटिन्यू रखें, प्यार देते रहें, काम उतनी मेहनत करते रहें. एंड यू नो जब हम किसी कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं तो उसे रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो आप लोग अपने इस कैरेक्टर से कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं? अरे मैं तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रियल लाइफ में आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माय कैरेक्टर इज़, बट डेफिनेटली कैरेक्टर की स्किन में जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज टू इट. लैंग्वेज एक चीज़ थी जो कि काफ़ी डिफरेंट थी, गुजराती फैमिली से हूँ मैं, गुजराती लैंग्वेज बोलना वो एक चैलेंज रहा है, बट इट्स ऑल गुड. That's not true. You don't have to relate to the character that you are playing.
yes, for the moment while you're playing the part, that is the time you just have to be there. Instead of that, you don't have to totally agree and relate to ke agar koi safe some negative character is actually murdering someone, then you can't relate to that. So it's, but yes, you can't relate to, it's a great character, I can't relate to that. I mean, there's no similarity. Exactly, yeah, I'm very different. Much, yeah. Very पहले तो और भी बहुत सारे शोज हैं और हम देखते हैं कि टीवी शो तो ऐसे से मिलते जुलते थोड़े बहुत बहुत सारे शोज हैं. आपको क्यों लगता है कि ऑडियंस आपका शो ज़्यादा पसंद करेगी? प्रोमो में भी जैसे आपने अभी बोला कि काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखने मिल रहा है, तो हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को कि ये डिफरेंट शो है. जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट है, बिकॉज चारों जो कैरेक्टर हैं इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, बहुत डिफरेंट दिख कर आएंगे वो शो में. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है कि हम चारों ही बहुत डिफरेंट हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ें देखने मिलेंगे. और न्यू थीम है, न्यू स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है, कलर्स और बालाजी के बेस्ट क्रिएटिव्स हैव कम अप टुगेदर एंड मेड दिस शो. सो आई एम श्योर यू ऑल आर गोना लव इट. सो प्लीज़ डू वॉच प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी फ्रॉम 28 नवंबर एट 8 PM ऑन कलर. थैंक यू. यही मैसेज था हमारा कि आप प्लीज़ हमारा शो देखिए कलर्स एंड फूड पर 8 बजे और बहुत सारा प्यार लीजिए. हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड आई एम श्योर आपको बहुत प्यार देंगे सबको. थैंक यू.